नमस्कार, आप देख रहे हैं LTT न्यूज़। LTT न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए एक नज़र आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार दोस्तों, बरेली चौबारी से गायों से संबंधित एक खबर आ रही है, ये देखिए स्क्रीन पर। हम आपको बताते चले, राज्य सरकार ने गौशाला गायों के लिए जगह जगह गौशाला खोली हुई हैं और उनके लिए शासन से फंड भी रिलीज किया गया है, परंतु चौबारी गांव का ये गौशाला जहां पर गायों को 3 दिन से उनके खाने की व्यवस्था नहीं है। किसी जागरूक नागरिक ने इस वीडियो को हमारे साथ शेयर किया है, हम दिखाते हैं हकीकत आपको, बने रहिए LTT न्यूज के साथ। देखिए किस तरीके से गाय लड़ रही है इस समय। 3 दिन के बाद इनको चोकर मिला है खाने के लिए। 3 दिन के बाद जब पशु पक्षी अस्पताल चौबारी से एक चोकर भिजवाया गया, प्रधान जी ने प्रॉमिस किया कि वो हमें चोकर वापस करेंगे, क्योंकि अगर मैं इंतज़ार करता तो बहुत देर हो जाती। देखिए और कितने शर्म की बात है, जिम्मेदारी अभिषेक चौहान है ठाकुर क्या क्या लिखता है, अभिषेक ठाकुर के ऊपर जिम्मेदारी थी। प्रधान जी को तो शायद मालूम भी नहीं होगा इस बात का कि गायों को 3 दिन से सूखा भूसा दिया जा रहा है। 3 बज रहा है, 3 बजे अगर गाय इस तरीके से टूट करके खाती हैं तो आप ये मानिए कि गाय बहुत भूखी हैं। बहुत शर्म और बहुत घटिया और गिरी हुई बात है ये। आपका अपना अखबार लक्ष्य द टारगेट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जनपद कासगंज के SP श्री मनोज कुमार सोनकर ने अपने समस्त पुलिस कर्मियों के साथ पुलिस लाइन कासगंज में किया योग।